नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्ज अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगनर्ज के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयरों में निवेश करना चाहिए। एकदम अमीर होने की मत सोचिए। 1 लाख के 2 लाख 4 लाख बनाने की बात मत सोचिए। 1 लाख से 1,20,000 और इस 20,000 से थोड़ा रिस्क लेने की आपकी क्षमता बढ़ेगी और 1,50,000 फिर 2 लाख बनाने की बात सोचिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैराथन दौड़ है, इसको आपको धीरे धीरे समय के साथ पूरा करना है। मरुस्थल में आपने ऊंट को देखा होगा, वह धीरे धीरे चलता हुआ मीलों पार कर लेता है। अगर आपने लंबे समय तक शेयर मार्केट में टिकना है और पैसा कमाना है तो हड़बड़ी मत कीजिए। थोड़ी दिक्कतें भी आएंगी, जैसे मार्केट का क्रैश होना आदि, लेकिन इस मार्केट क्रैश को एक अवसर समझिए। उस समय आप अच्छे शेयर खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो सस्ते दाम पर मिल रहे हैं आपको, तो इसको अवसर मान के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज जो हम शेयर लाए हैं तो वह ट्रेडिंग क्षेत्र, मिसलेनियस क्षेत्र से कह सकते हैं आप, कि एक कंपनी है। आज हम जिसने रक्षा क्षेत्र में कदम रखा है, मैनेजमेंट गाइडेंस अग्रेसिव है, 27 की है, 1 वर्ष में 84% का रिटर्न दिया है, वैल्यूएशन चीप है, सीक्रेट जेम कह सकते हैं आप इसको, फंडामेंटल्स को देखते हुए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे शेयर पर, रिपोर्ट पूरी है हमारे पास। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर पर। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर पर बात कर रहे हैं। टेम्बो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स ट्रेड्स फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स, TGIL, औद्योगिक वाणिज्यिक उपयोगिता और OEM प्रतिष्ठानों के लिए पाइप सपोर्ट सिस्टम, फास्टनर, एंकर, HVAC, एंटी वाइब्रेशन सिस्टम और उपकरणों में उपयोग के लिए जाने वाले धातु उपयोगों, धातु उत्पादों का निर्माण और फैब्रिकेटर है। कंपनी डक्टाइल पाइप, HDB पाइप फिटिंग, MS प्लेट में फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन विशेषज्ञ है। इसके उत्पाद अंडर इसके उत्पाद लेबोरेटरी इंक USA और FM अप्रूवल USA द्वारा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए प्रमाणित और स्वीकृत हैं। USA की दो लेबोरेटरी से स्वीकृत हैं। कंपनी के ग्राहक हैं जो वो KEO, अरामको, शाहपुर जी, प्लोन जी, ECG, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाइको, डेक्कन, सकल, स्टिर्लिंग एंड विल्सन, क्वाटी आर्किटेक्ट्स, गोदरेज आदि हैं। बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक हैं। रक्षा क्षेत्र, हाल ही में टेम्बो ग्लोबल ने इंडस्ट्रीज ने भारत में अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए एक अग्रणी यूरोपियन कंपनी के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह एक सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के साथ रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। मैनेजमेंट गाइडेंस, कंपनी अपनी बसाई सुविधा में बड़े पैमाने पर ग्रीन फील्ड विस्तार कर रही है, जिसमें वित्त वर्ष 2025 तक इसकी विनिर्माण क्षमता 15,000 टन प्रति वर्ष बढ़कर
1,05,000 टन प्रति वर्ष हो जाएगी। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में 800 करोड़ रुपए की मजबूत ऑर्डर बुक रिपोर्ट की है कंपनी ने। डाइवर्सिफिकेशन ला रही है कंपनी, जिसमें 27 तक, 2027 की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी 20% रक्षा इंजीनियरिंग उत्पादों, 65% बस्तर से, 15% राजस्व, 70% है जिसका प्राप्त करना चाहती है। यानी कि इसको आप सिंपल शब्दों में समझे तो 27 तक कंपनी है ना, जो 20% तो वो रक्षा उत्पादों से प्राप्त करेगी, 65% इंजीनियरिंग गुड्स से करेगी। अभी तक तो रक्षा से कुछ नहीं आता, जीरो है, और 65 की जगह अभी 35 है, तो 35 से 65 हो जाएगी इंजीनियरिंग में, और वो 65% से 15% रह जाएगी। तो काफी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, वस्त्र में काम घटा रही है कंपनी। बाजार का आकार 470 करोड़ है, बहुत छोटी कंपनी है। डिविडेंड 0.35% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.10% है, अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, ये भी और भी अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 46.30% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। डेटर डे जो 39 दिन से 25 दिन रह गए हैं, जिससे इसके इंटरेस्ट की बचत होगी। एवरेज सेल ग्रोथ है पिछले 10 वर्षों की तुलना में 24.60% अधिक है। अदानी एंटरप्राइजेस सेलो वर्ल्ड है जो, वो तो 58 की पी पर है, अदानी एंटरप्राइजेस 83 की है, और टेम्बो 26 पे है। तो ये इसकी पीयर कंपनियां हैं दोनों। कंपनी ने Q1 FY25 में अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। तो जून 23 और जून 24 के सेल है 80 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ हो गई जून 24 में। OPM 4.85% से 6.51% हो गया। नेट प्रॉफिट 1.68 करोड़ से बढ़कर 5.37 करोड़ हो गया। यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। EPS 1.51 रुपये थी, जो बढ़कर 4.84 रुपये हो गई। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स क्वार्टर के पेश किए हैं। सेल है जो, हम इसकी FY23 और FY24 के भी कंपेयर कर ही लेते हैं। सेल है जो 249 करोड़ से 432 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ से 14 करोड़ हो गया। यानी कि चाहे ईयर ऑन ईयर है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे पेश कर रही है कंपनी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 61% है, और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 68% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है 3 साल की एवरेज। बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं। तो इसकी शेयर कैपिटल है जो, बैलेंस शीट देख लेते हैं। शेयर कैपिटल है 25 करोड़ है, रिजर्व 41 करोड़ के हैं, और बोरिंग है जो 50 करोड़ के हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ की है। तो ये थोड़ी सी खर्चे वाली कंपनी है, कैपिटल प्रोन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि ऋण ज़्यादा नज़र आए हमें, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है और रिटर्न ऑन कैपिटल भी बहुत अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 55.41% ठीक है। FII की भी 1.63% की इक्विटी है, और पब्लिक के पास 42.95% की इक्विटी है। अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके दाम है जो 423 रुपये हैं, 52 वीक हाई एंड लो 448 रुपये और 191 रुपये हैं। EPS 16 रुपये, PE 27 है, सेक्टर PE 62 है। सेक्टर PE से तो बहुत नीचे मिल रहा है ये। इसकी पीयर कंपनी भी बहुत ऊंची PE पर मिल रही हैं, इसीलिए हम इसको सीक्रेट जेम कह रहे हैं। टेम्बो ग्लोबल ने यूरोपियन दिग्गज के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल इंडस्ट्रीज
भारत में अत्याधुनिक हथियार गोला बारूद निर्माण सुविधा स्थापित करेगी। रणनीतिक बाईबैक समझौता भी है जिसके तहत यूरोपियन साझेदार उत्पादित अग्नेपास्त्रों का महत्वपूर्ण हिस्सा सिग्निफिकेंट हिस्सा खरीदेगी। 1 महीने में 60%, 1 वर्ष में 84% की इसने रिटर्न दी है। कोई भी विशेषज्ञ इस शेयर को कवर नहीं करता। इस छुपे रतन को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। वैल्यूएशन चीप है, हो सकता है कि इसकी ग्रोथ स्टेडी रहे, हो सकता है उस तरह ना बढ़े एकदम, हो सकता है इसकी ग्रोथ स्टेडी रहे, लेकिन रिस्क भी नहीं के बराबर है। रिस्क तो कोई है ही नहीं, बहुत सस्ता मिल रहा है शेयर। लॉन्ग टर्म शेयर है, ट्रेडर्स के लिए यह नहीं है। ट्रेडर्स को तो कोई फायदा नहीं है, ये कोई ऐसा तो है नहीं भी आजकल में बढ़ जाएगा ऐसे ही। हमारी टीम का अनुमान है 3 वर्ष में 1000 रुपये तक जा सकता है। आपको नज़र बना के रखनी चाहिए ऐसे शेयरों पर, बहुत ही शानदार शेयर है। तो दोस्तों आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।